वाराणसी के रोहनिया पुलिस की ओर से गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। मिली सूचना अनुसार सर्विलांस क्राइम ब्रांच टीम के साथ रोहनिया पुलिस ने अपहरित मासूम को सकुशल 2 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज सवेरे 9:30 बजे सूचना मिली थी कि 8 वर्ष के बालक का अपहरण हो गया है। भोल सराय के निकटी इसके पिता जो है वो एक ढाबे का संचालन करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया है। उनके नौकर के ही द्वारा ये अपहरण किया गया है। सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस ने जो है उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करते हुए तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। थाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच पर भी लगाया गया और लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के माध्यम से हम लोग इस लड़के के पास जो अपहरण करता था, इसके बाद मात्र 2 घंटे में ही हमने इसको घेरा और इसके लड़के की सकुशल बरामद ही करी उनके लड़के की। साथ ही साथ ये भी जानकारी में आया है कि जो ये अपहरण करता है ये इलाहाबाद का मूलुक रहने वाला है। लगभग 1.5-2 महीने से ये ढाबे पर काम कर रहा था और इसके द्वारा ही योजना बनाई गई थी, क्योंकि लड़का इसके गुड फेथ में था, जो बच्चा साथ में था उसको गला फुसला के अपने साथ ले गया था। और एक यहीं से लगभग 5-7 किलोमीटर के करीब एक जंगल पड़ता है, जंगल में ही लगातार उसको रख के ये कोशिश कर रहा था कि 3 लाख की फरौती जो मांगी थी वो उसको मिल जाए। और इसके अलावा धमकी भी दी गई थी कि अगर फरौती मुझे नहीं मिलेगी तो मैं लड़के को मार डालूंगा। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि क्योंकि ऐसे केसेस में छोटे बच्चों की हत्या जनरली कर दी जाती है अपहरणकर्ता द्वारा जो है, तो बच्चे की भी सेफ रिकवरी करना और अपहरणकर्ता को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज था, जो हमारी क्राइम ब्रांच और थाने की फोर्स ने मिलकर जो है बहुत जल्दी ही जो है लगभग 2-3 घंटे के अंदर ही इस केस को वर्कआउट किया है। मेरे द्वारा जो है हमारी टीम जिसने काम किया है 25,000 के नाम उसको घोषित किया गया। बरामद की जो है, देखिए यहाँ से मैंने जैसे बताया 4-5 किलोमीटर की दूरी से एक जंगल है, वो वहीं से अभी इसकी बरामदगी हुई है। उसका अभी जो प्राथमिक, क्योंकि बहुत जल्दी अभी हम लोगों ने वर्कआउट किया है तो अभी से पूछताछ चल रही है, लेकिन प्राथमिक के पूछताछ से पता ये चला है कि इलाहाबाद में इसकी ये 2 बार जेल जा चुका है, 1 बार सिविल लाइन थाने से जा चुका है, 1 बार मीरा थाने से जा, बाकी चीज़ें तस्दीक की जा रही हैं और आपराधिक इतिहास भी इसका निश्चित है। और इसमें आगे भी हम देख रहे हैं कि और भी इसके साथ कोई और लोग तो मिले हुए नहीं है और इसके ऊपर क्या क्या केसेज हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, फादर ने उसके गुड फेथ में लेने के लिए लगभग 24-25,000 रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। वो डर ये था कि अगर नहीं उसको गुड फेथ हम करेंगे तो ये हत्या कर सकता था, तो वो पैसे की बरामदगी इसके पास से की जाएगी। बता दें कि मामला वाराणसी के स्थानीय थाना क्षेत्र का है। बच्चे के पिता का जीटी रोड मोहन सराय में एक ढाबा है। उसी ढाबे का एक कर्मचारी बच्चे का अपहरण कर भाग निकला था। घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे की है, जब ढाबा कर्मी 6 वर्षीय मासूम का अपहरण कर भाग निकला। अपहरण के एक दिन पूर्व मासूम अपने दादाजी के साथ रात में रोज के जैसे ही सोया था, जहां से मासूम का अपहरण किया गया। जिसके बाद बुधवार सुबह 9 बजे के करीब मासूम के दादा मंगला प्रसाद के मोबाइल पर फोन कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने का मामला प्रकाश में आया। आरोपी के द्वारा 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने के बाद परिजनों में हलचल मच गई। घटना की सूचना पीड़ित मंगला प्रसाद व अशोक कुमार गौंड ने रोहनिया पुलिस को देकर मासूम को सही सलामत वापस करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर मासूम की जान बचा ली। होटल में काम करता था ढाबा पर, कृष्ण वंश ढाबा मदन लाल पटेल, वो काम करते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, बर्तन वर्तन धोते थे, यही सब काम करते थे। 1 महीना से काम कर रहा है और इसका 2 तारीख को महीना पूरा हो गया था। हमको हुआ 4:40 पर, तुम्हारा पिताजी हमको जगाए, एसपी बटला नहीं है। अच्छा, उसको लड़का काम करता है वही उठा के लेके चला गया। तब हिलने शुरू कर दिए, फिर यहाँ से गए गोपीगंज, गए मिर्जापुर, गए उधर से आए, फिर इधर लोकल एरिया में हिलने शुरू कर दिए। तो हमारा पिताजी भाग कर थाने पर आए, पिताजी यहाँ पर आए थे, हम घेर रहे थे पागल होकर। ग्राम मोहनसरा है, हम होटल चलाते हैं, हमारे पास एक नौकर था जो कि और हमारे यहाँ काम करता था, पर होटल में काम करने वाला था, वो था हमारा पोता, हमेशा हमारे पास होता था। जो है वो सुबह उठ करके मंदिर में घूमने जाता था और एकाध दिन जो है उसके हमारे नौकर के साथ चला गया। और जो है फिर कल का आज रात का मौका है कि हम जो है 12:30 बजे रात उठे हैं तो लड़का पेशाब किया था, उसका कपड़ा बदलवा करके फिर बुलाए, फिर हम 4 बजे उठ रहे, लड़का नहीं था। फिर हम नौकर की देखे कि नौकर वहाँ है कि नहीं है, उसको घुमाने लगा तो नौकर भी नहीं था। उसी समय से हम चार सबको उठा के परिवार वालों को और चारों तरफ घूमना और छानबीन करना, देखभाल करना करने लगे, नहीं मिला। तो फिर जो है प्रशासन को हमें FIR किया, प्रशासन हमारे साथ तल्ली के साथ काम किया, हमारा बच्चा हमारे पास मिला। फिर 3 लाख रुपया मांग रहा था, हमारे फ़ोन पर किया, कहा था कि हमको 3 लाख देंगे,
तब जो है हम बच्चे के छोड़ेंगे, नहीं कुछ भी हो सकता है, हम लोग कई लोग हैं। तो हम कहे ठीक है भाई, हम बैंक में पैसा दिया, 10 बजे बैंक खुलेगा, 11 बजे लोग काम करने पर लगते हैं, हम करीब तुमको भेज देंगे, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया उसके खाते में डाला गया। अब लड़का हमको नहीं मिला, प्रशासन ये जानती है लड़का कहाँ बरामद है, लेकिन लमसम एक है कि कर्नाटकपुर की तरफ जो है लड़का हमको बरामद मिला, लड़का हमको यहाँ प्रशासन से हमको वापस मिल गया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।